So dear students, welcome to the lab session. So I am using another system to see all our query queries. So it's about to 7 o'clock, so we will start on time. So good evening to everybody. Jairam ji ki, many of you are writing some messages, okay na? So what I request to all of you, my dear students, while writing your questions in the chat box, please don't write the name of any person, okay na? I am very very careful, and just ask question. The reason I will speak in Hindi also, because बहुत सारे लोग North India से हैं, तो मैं जनरली हिंदी में बात करेंगे, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर इंग्लिश में होना चाहिए, यू आर सपोज यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, देन यू आर टेल मी इन द चैट दैट यू वांटेड आंसर इन इंग्लिश. ओके, सो प्राइमरली आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी. सो सम ऑफ दीज आर बेसिकली द अवार्ड्स दैट आई हैव गॉट इट एंड माय रिसर्च क्रेडेंशियल्स. तो देखो, इसकी नीड क्यों अराइज हुई, इसकी जो इस सेशन की मैंने व्हाई आई फेल्ट दैट दिस सेशन इज रिक्वायर्ड. जैसे प्रोडक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्चुअली फंडामेंटल यू नो बहुत कम लोगों के क्लियर होते हैं. जस्ट मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस, तो जनरली प्राइवेट आईआईटीज एनआईटीज में लोग पढ़ाते हैं, बिट्स प्लानिंग हो गया जैसे, उसमें लोग पढ़ाते हैं ठीक ठाक से. पर अगर प्राइवेट कॉलेजेस देखेंगे तो हार्डली एनीबॉडी टीचेस प्रोडक्शन प्रॉपरली, ठीक है ना? और जो कुछ बुक फॉलो जो करते हैं, दैट बुक मे नॉट बी द स्टैंडर्ड बुक, स्पेशली इन प्रोडक्शन. इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में कि समटाइम यू नो ए टीचर मे थिंक दैट ही इज टीचिंग करेक्टली बट ही मे नॉट. तो इसमें सारी चीजों को लेंगे. आई एम जस्ट लुकिंग एट इट. हाँ देखो, मैं एक्चुअली कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे आपके चैट्स देख रहा हूँ, पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा भाई तुम एक्चुअली ना क्वेश्चन पूछे एंड नाम जरूर मत लिखें, ठीक है ना? वंस अगेन जयराम जी के टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? तो मैं आई विल बिगिन इट. दीज आर बेसिकली सम ऑफ द यू नो माय इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स, साउथ अफ्रीका एंड तालिब. And then some of you may be knowing, this is basically Kanchipuram I went. So production fundamentals are much deeper. Production के fundamental ऐसे होते हैं, अगर एक बार समझ में आ गए तो आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? और क्योंकि देखिए, मेरे को production क्यों आता है कि मुझे अपने जो गुरु हैं मेरे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और IIT Delhi, I spent close to 7 years for my doctorate and M.Tech. वो बहुत अच्छे टीचर थे और मैंने उन्हें डीपली रेस्पेक्ट करता हूँ, बोथ एट आईआईटी दिल्ली एंड एएमयू. उसी वजह से मेरे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं. आप टीचर को रेस्पेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना? सब कुछ अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो ये एक्चुअली यू मस्ट बी नोइंग मेटल फॉर्मिंग, देयर इज प्रोफेसर वैगनर. आई मेट हिम ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस. ही इज बेसिकली आइकन एंड मेटल फॉर्मिंग, बिकॉज मेटल फॉर्मिंग वो एरिया जिसमें मैं रिसर्च करता हूँ, ठीक है ना? तो एंड देन ये है एक्चुअली यू मस्ट बी लर्निंग प्रोफेसर बत्रा. जो हाई स्टेनरेट डिफॉर्मेशन होता है ना, जैसे कोई आर्मर है, टैंक आर्मर है और ह्यूमन आर्मर है, गोली आई, तो जिस रेट से जो मेटल डिफॉर्म हो रहा है तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं हाई स्टेनरेट डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल्स. और प्रोफेसर बत्रा इज चैंपियन इन दैट. आई डोंट यूज द वर्ड गॉड बिकॉज गॉड इज रियली नोबडी कैन बिकम गॉड. आई रिसेंटली मेड वन वीडियो, ओके ना? तो देखो ऐसा करते हैं, कुछ मेरे because something I thought of, क्या कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, तो कुछ मेरे पास ऑलरेडी हैं क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपकी चैट बॉक्स से देखूंगा. मैं मेरे पास दो एक्चुअली दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे हैं. आप सब लोगों को मालूम होगा मेरी एक प्रोडक्शन की बुक है, तो
production book, I put a lot of effort into it, writing book to make sure that student understand all these things. और कुछ private colleges में कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी समझ में तो आता नहीं, कहते हैं सर बुक गलत है, एक्चुअली कुछ fundamentals गलत हैं। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस clarity होनी चाहिए, ठीक है ना? तो हमें समझाऊंगा कि जो लोग समझते हैं स्टूडेंट के प्रोडक्शन की बुक में कुछ गलत फंडा गया है, वो मेरे से पूछे। दीज लाइव सेशंस मैं फ्रीक्वेंटली करूंगा, ये पहला सेशन है, और भाई देखो कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, क्यों जो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा समझ में तो आती नहीं मेरे, जैसे कम्युनिकेशन में, तो थोड़ा प्लीज एक्सक्यूज मी, बट आई विल पुट माई बेस्ट एफर्ट टू क्लियरिफाई ऑल योर डाउट्स, ठीक है ना? तो देखो ये पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, पहले तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे फेसबुक पे लिखा था सर नया सिलेबस के बारे में डिस्कस कीजिए। तो देखो मेड इजी के थ्रू भी हम यू नो सिंह साहब एक्चुअली रिसेंटली डिस्कस, वी विल प्रिपेयर वीडियोस, ओके ना, उसके नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम वहां पे डिटेल में। पर देखो इसमें एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, इसमें ज्यादा चेंज है नहीं, प्रोडक्शन में ज्यादा चेंज है नहीं। उसमें क्या ऐड हुआ है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वो तो बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, और उसमें से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अगर आ गया तो छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। देन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था 2-3 साल पहले, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, मेरे ख्याल से 1 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे जा सकते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के, ये नया इंट्रोडक्शन है। देन एक चीज उन्होंने बड़ी यूज किया है एब्रेसिव मशीन्स, तो इसकी कुछ डिटेल्स तो हम मशीन टूल में पढ़ाते थे, और कुछ और चीजें ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, जो अभी आई विल टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग माय टीचिंग इन द क्लासरूम, या फिर जो इस बार तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में मैं इसे इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कास्टिंग वेल्डिंग वाले पढ़ाते हैं, जो भी फैकल्टी कास्टिंग वेल्डिंग पढ़ा रहा है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कवर कर देता है, ठीक है ना। और देखो लास्ट 2 ईयर से मेटल फॉर्मिंग में क्लियरली मेंशन है, फोर्स कैलकुलेशन इन बल्क एज वेल एज शीट मेटल फॉर्मिंग। तो जो भी सवाल आया था लास्ट ईयर फोर्जिंग का, वो वेल विद इन द सिलेबस था, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन। तो आपको मेटल फॉर्मिंग में जो स्लैब एनालिसिस है, जो फोर्स कैलकुलेशन की जो स्लैब एनालिसिस है, आपको थरोली करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो मेट्रोलॉजी में ऑफकोर्स जो CMM है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जो मेट्रोलॉजी में कवर की है, ऐड किया हुआ है, पर देखिए मेट्रोलॉजी में आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कंपैरेटर्स जो हमेशा मेंशन है, एक्सेप्टेंस टेस्ट मींस अलाइनमेंट टेस्ट तो एक पार्ट है ना एक्सेप्टेंस टेस्ट का, डायनेमिक टेस्ट और अलाइनमेंट टेस्ट दो तरह के होते हैं, तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा इस बार, ठीक है ना। तो ये अगर सिलेबस देखें प्रोडक्शन का ना, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो देखो मैं अभी जो फोकस करूंगा, जो अभी तक आपकी चैट बॉक्स, आपको 10 मिनट के बाद देखूंगा आपकी चैट बॉक्स, दो क्वेश्चन स्टूडेंट ने मेरे को लिखे रिपीटेडली इन माई पर्सनल मैसेज और मेल, उन क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे लोग डिक्लेयर कर देते हैं सर आपने अपनी बुक में थोड़ी मिस्टेक कर दी। ऐसा नहीं है, देखो उन क्वेश्चंस को देखो जरा। पहला है फॉर्मिंग का सवाल, जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को जो दिक्कत होती है, वंस अगेन मैं चैट बॉक्स 10 मिनट बाद देखूंगा, अगर जिसको आंसर इंग्लिश में चाहिए प्लीज राइट इट इन माय चैट बॉक्स, ओके ना। फॉर्मिंग में क्या होता है, देखो फोर्जिंग हो गया, वायर ड्रॉइंग हो गया, ट्यूब ड्रॉइंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, रोलिंग हो गया, शीट मेटल फॉर्मिंग में डीप ड्रॉइंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, बेंडिंग हो गई। तो जनरली लड़के क्वेश्चन को क्या पूछते हैं मेरे से, सर इस पर प्लेन स्ट्रेस लेंगे क्या प्लेन स्ट्रेन लेंगे, कभी प्लेन स्ट्रेस से आंसर आ जाता है, कभी प्लेन स्ट्रेन से आंसर आ जाता है। भाई देखो तुक्के वाली बात नहीं है, इट इज नॉट चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो है ना ये चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नहीं है। कुछ इंडियन ऑथर्स बुक हैं जो इन्होंने ब्लंडर कर दिया स्पेशली फॉर्मिंग में, फॉर्मिंग टू बी फ्रैंक विद यू देयर इज नो इंडियन ऑथर गुड ऑथर बुक। अगर आप पढ़नी जॉनसन एंड मेलर, तो मैं आपको बुक्स के ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा,
आप फंडा सुनिए, क्या है फंडा, ये प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नहीं है। जॉनसन मेलर इज वेरी क्लियर। देखो होता क्या है, जो भी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है आप केयरफुली देखिए, अगर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट जीरो है, अगर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट जीरो है तो वो प्लेन स्ट्रेन केस है, अदरवाइज प्लेन स्ट्रेस केस है। क्योंकि प्लेन स्ट्रेन होगा, अगर प्लेन स्ट्रेन होगा तो के डैश विल बी सिग्मा नॉट बाई रूट थ्री लगे। अगर प्लेन स्ट्रेस होगा तो के डैश इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई टू लगे। हमारी अप्रोच टोटली डिफरेंट होगी। यहां पे लोग बहुत मैशअप करते हैं, इंक्लूडिंग देखो सिविल सर्विसेज में लास्ट ईयर क्या 2019 में क्या सवाल आया था, 20 नंबर का सवाल था, सब मैशअप कर दिया लोगों ने। ये हमारी चॉइस नहीं है कि चूज मैनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन। आप ये केयरफुली देखो कि फॉर्मिंग के वक्त इज देयर एनी वन डायरेक्शन इन विच देयर इज नो मेटल फ्लो। If there is any one direction during which there is no metal flow, it is a plane strain case. Do this. अगर हमारा हर तरफ metal flow हो रहा है, do this. It is not your choice, but choose any one of the following. या फिर question में सीधा दे रखा हो, to simplify the objective, consider plane stress, because plane stress की calculation easy होती है, जैसे gate में था। आपकी चॉइस नहीं है। फोर्जिंग में दो केस हैं, दोनों अलग अलग हैं। फोर्जिंग ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लेड बिकॉज विड्थ इज कॉन्स्टेंट, इट्स अ प्लेन स्ट्रेन केस, प्लीज बी केयरफुल। ये मैश अपन कीजिए यहां पे। सिलेंड्रिकल फोर्जिंग प्लेन स्ट्रेस केस। आई होप यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक। एनीथिंग ऑन दिस, एनीवे एनीथिंग ऑन दिस फोर्जिंग? आई एम जस्ट सीइंग दैट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस टू बी फ्रैंक विद यू। Good evening. Okay. And if there is any question, please let me know. Okay. Some questions are there. Please question you tell me. Okay. So I hope this is clear. If it is not clear, please send me chat immediately. I will further clarify on the plane stress and plane strain. Oh, sticking and sliding friction, it's very easy. It's again sliding friction, it's very easy. I will tell you, it's nothing. Ye aapko na मशीनिंग में भी आता है और ये फॉर्मिंग में भी आता है। जैसे फॉर्मिंग में, फोर्जिंग में ना, जैसे आपका हैमर है, ये हैमर है, तो कभी कभी देखा होगा आपने सेंटर से कुछ डिस्टेंस तक उसको बोलते हैं स्टिकिंग, और स्लिपिंग का ये होता है, ऐसा ही तो देखा होगा आपने बुक्स में। भाई देखो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने का टाइम नहीं है, वो ऑलरेडी लेक्चर हम जो रिकॉर्डेड लेक्चर है हमारे जो लाइव प्ले करेंगे एमएडीसी में, तो वहां पे देखिए आप। तो ये देखो स्टिकिंग कब होगी, बाहर से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं तो टाउ इक्वल्स टू म्यू पीएक्स, ये पीएक्स तो है ही, ये पीएक्स तो है ही, तो बाहर से अंदर जा रहा है तो पीएक्स बढ़ रहा है, और शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू पीएक्स, तो टाउ भी बढ़ेगा। टाउ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा जब अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो टाउ जो है इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर। शेयर स्ट्रेस कैन नॉट एक्सीड द यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर। तो अगर देखो एक पॉइंट पर अगर ऐसा हुआ दैट टाउ बिकम्स इक्वल टू के डैश, एट दैट पॉइंट देयर विल बी स्टिकिंग। तो जब हमारा शेयर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ शेयर के बराबर हो जाएगी, मेटल चिपक जाएगा। मशीनिंग में देखा आपने ना, जैसे मशीनिंग के बाद चिप, जैसे हमारा रेक फेस पर फ्लो होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो टाउ के डैश के बराबर होगा, चिपक जाएगा। तो जैसे ही हमारा चिप हमारा रेक फेस पर आता है, पहले स्टिकिंग होती है ना कि स्लिपिंग, और धीरे धीरे जब हमारा टेम्परेचर कम होता है म्यू कम होता है, और जहां पे टाउ के डैश से कम हुआ स्लिपिंग। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। आई एम जस्ट चेकिंग इट। हाँ, और तो कटिंग इट्स टाइम
ताने श्वसन आई एम कमिंग टू दैट ओके ना ऑर्थोगोनल कटिंग वो बता रहा हूं आपको ठीक है ना वो सेकंड मेजर डाउट है सो आई हैव दिस फॉर्मिंग एंड फॉर्मिंग स्टिकिंग एंड स्लिपिंग कांसेप्ट इज क्लियर सो जो लोग आज सारे डाउट नहीं कर सकते हैं ना पूछ सकते हैं ये सेशन में रिपीट करूंगा ठीक है ना तो नाउ नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट पूछते हैं और जो बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इट्स अनफॉर्चुनेट दैट हमारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें उतने अच्छे फैकल्टी नहीं होते जो पढ़ लिख के पढ़े थोड़े से तो उसमें ये भाई डाउट क्या होता है मेरे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग दे राइट मेल टू माय यू याहू कि जो मशीनिंग है प्लीज हियर केयरफुली जो मशीनिंग है क्या फंडामेंटल क्लियर करना बहुत जरूरी है तो स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं मेरे से अरे सर आपकी बुक है आपने कभी ऑर्थोगोनल ब्रेक ले लिया है कभी आपने ये अपना अमेरिकन सिस्टम वाला बैक ब्रेक ले लिया है हमारे सर ने तो पढ़ाया सर ऑर्थोगोनल ब्रेक ले गए अगर अब बैक ब्रेक लेंगे तो गलत हो जाएगा अब देखो मशीनिंग में जो हमारा जो कटिंग फोर्स मेजरमेंट होता है ना स्ट्रेन गेजेस तो होते हैं तो एक स्ट्रिप टूल के नीचे पड़ी होती है तो जिस पर लोड पड़ता है तो हमारे स्ट्रेन गेजेस डिफॉर्म होते हैं एल चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उससे फोर्स का मेजरमेंट हो रहा है तो डायनामोमीटर से जो हमने एक्चुअल एफसी और एफटी मेजर किया है ना जो एक्चुअल होगा वो किसी थ्योरी से मैच नहीं करेगा बिकॉज ईच थ्योरी इज हैविंग मेनी मेनी अजम्पशंस स्पेशली प्लॉन्गिंग फोर्स इज मेजर फोर्स प्लॉन्गिंग फोर्स क्या होता है जैसे खेत जोत रहे हैं आप तो हल है तो हल और मिट्टी के बीच में ड्रैग होगा ना तो सिमिलरली मशीनिंग आल्सो देयर आर प्लॉन्गिंग फोर्सेस कोई थ्योरी कंसिडर ही नहीं करती तो जो एक्चुअल कटिंग फोर्सेस होते हैं और जो आप एएसए और ओआरएस सिस्टम से लेते हैं इट विल नॉट मैच नाउ देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स अमेरिकन सिस्टम क्या बोलता है जैसे एएसए पॉपुलरली बोलते हैं ना अमेरिकन सिस्टम है वो क्या बोलता है अगर आप मर्चेंट एनालिसिस में बैक रेक लेंगे तो हमारा ये प्रिडिक्शन करेक्ट होगा करेक्ट नहीं इट विल बी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल थिंग नाउ देयर इज अ नॉर्मल रेक सिस्टम ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम और नॉर्मल रेक सिस्टम ये भाई साहब ये ग्रुप क्या बोलता है ये अलग ग्रुप है जैसे सोसाइटी बन गई सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी ऑफ मटेरियल्स ये भी सोसाइटी है अब ये साहब क्या बोलते हैं कि नहीं भाई देखो ऐसा है बैक रेक लेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन एक्चुअल के पास नहीं आता अब नॉर्मल रेक लेंगे तब एक्चुअली प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगा तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेक वी विल टेक इन द कैलकुलेशन देयर इज अनदर ग्रुप दे से ब्रिटिश रेक सिस्टम आपको ये तो मालूम ही होगा एएसएल में बैक रेक कैसे डिफाइन करते हैं मैं एक्चुअली ज्यादा पढ़ा नहीं रहा आपको बस डाउट क्लियर कर रहा हूं लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द टूल एक्सिस पासिंग थ्रू द टिप द एंगल दिस लाइन मेक्स विद द रेक फेस इज कॉल्ड बैक रेक एंगल सब लोग जानते हैं इसे ओआरएस में क्या होता है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन But this line should be normal to the cutting edge. The maximum angle this line makes with the rake face is the normal rake. ये भाई साहब पता है क्या बोलते हैं? ये group ORS group क्या बोलता है? क्या मशीनिंग के बाद चिप भी तो फ्लो उसी डायरेक्शन में हो रहा है? उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा? उस डायरेक्शन के काफी क्लोज है, because it's a stable equation that tells you the direction of chip flow. पर ये क्या कह सकते हैं? ये ORS वालों की अलग थ्योरी है. ये ब्रिटिश सिस्टम में रेक क्या होता है एक लाइन ड्रॉ करो द लाइन शुड बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बट इट मस्ट पास थ्रू द टिप
यहां पे टिप से पास नहीं कर रही, ये कटिंग एज के नॉर्मल है, तो आप चेंज कीजिए लाइन को। और जब ये लाइन मैक्सिमम एंगल बनाएगी वो ब्रिटिश रेक है, अगर ब्रिटिश रेक यूज करेंगे तब भैया हमारी ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट आएगी। तीनों ही अप्रोक्सीमेट है। घोषण मलिक इज ऑल्सो स्टैंडर्ड बुक, प्रॉबली फ्रैंक विद यू, घोषण मलिक वी शुड स्टडी। भट्टाचार्य ऑल्सो से समथिंग एल्स इफ यू सी केयरफुली ना, इन भट्टाचार्य एंड घोषण मलिक देर आर सम क्लैशेस, आई विल नॉट डिस्कस दिस थिंग हियर, बट बोथ आर स्टैंडर्ड बुक्स, ओके ना। तो एग्जाम में हम क्या करें, जो भी एंगल दे रखा है उसे यूज करो, जो भी एंगल दे रखा है उसे यूज करो। अगर सपोज आपको बैक रेक एंगल दे रखा है एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन टू यू टू फाइंड आउट ORS, यू कैन फाइंड आउट ORS, देयर इज नो इशू, बट राइट स्पेसिफिकली इन द टेक्स्ट वी आर एक्सेप्टिंग द ORS थ्योरी। इफ यू आर यूजिंग बैक रेक एंगल, राइट इन द टेक्स्ट दैट बाय कंसिडरिंग ESA थ्योरी। गलत कुछ भी नहीं है, ये दे आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। Some people are asking how to take the approach and over travel. I will tell you that, but you know, anybody else on the machining? Full lecture because it, just now I finished recording lectures for our Medici. It took 25 hours to complete the syllabus of forming. 25 hours, okay, na? So I think, Danish Hussain, I hope your doubt is clear. Yeah, residual stress is in cold forming. Bosch, oh my God, there are so many things. I will take one by one. Yeah, that is sufficient. But in my book, CAD-CAM portion, I have not added the chapter because one student is asking whether book is sufficient. Book is sufficient. I am also in the process of revision of the book. Maybe after 1 year, I will come. I will add additive manufacturing and CMM. And one more chapter also I will add. Automation, numerical control. See, I'm also in talk with one of my friend in one of the IIT. He's a professor in one of the IIT. I will not disclose the name because it is going to public. So he will add all these chapters. Two chapters we are planning to add, incorporating everything. But for the 6 topics, my production book is sufficient for get an IAS. Anyway, I will take up some of these questions. Certain orthogonal cutting or orthogonal turning, the horizontal vertical forces are different. Yeah. Horizontal? No. See, horizontal vertical forces are different. It's a very good question. To be frank with you, production takes 150 hours, but we will try to understand it. Okay, na? Jaise, yaha pa cutting tool hai. It's a cutting tool. Theek hai na? और इसका मोशन इधर हो रहा है। देखो जब कोरोना आ गया, अदरवाइज मैं मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा था विद द हेल्प ऑफ ए कारपेंटर इन माय GRIT, वेयर आई एम एसोसिएट विद इट। तो बहुत लोगों को पता क्या कंफ्यूजन होता है कि फीड अनकट चिप थिकनेस कैसे है। कुछ लोग उल्टा लेते हैं और कुछ लोग थोरली कंफ्यूज हैं। फीड हमेशा अनकट चिप थिकनेस होगी, डेप्थ ऑफ कट हमेशा विड्थ ऑफ चिप होगी। तो मैंने अपना जो नॉन टीचिंग स्टाफ था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की इतना बड़ा वुड का ब्लॉक लेके, पर प्रॉब्लम है कि हमारा वर्कशॉप ही बंद है 5 महीने से, तो वो कर नहीं पाया। जैसे ही खुलेगा सबसे पहले इसका मॉडल बनाऊंगा मैं टू शो यू दैट हाउ फीड इज अनकट चिप थिकनेस। तो देखो ये हमारा टूल है ना, ये आपकी साइड कटिंग एज, ये साइड कटिंग एज है, ठीक है ना, और ये शैंक है। I don't know how long we can continue. Okay, see, shank, side cutting edge, और ये हमारा tool ऐसे चल रहा है, ठीक है ना? तो जो हमारी cutting हो रही है, talking of turning operation, because that is the question asked by one student. तो cutting हमारी ऐसे हो रही है, तो ये cutting force ऐसे आएगा. Cutting force, हमारा tool ऐसे move कर रहा है. Cutting force FC is this. Now this is the cutting edge ना? Thrust force will be normal to the cutting edge in this direction. See. This is a horizontal force, FT, FC. इस FT को मैं feet की direction में resolve करूंगा, यह आ जाएगा feet force. FT को center की तरफ resolve कर दूंगा, यह आ जाएगा आपका radial force.
तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का यूज क्या है? इट इनेबल्स ए पॉजिटिव कॉन्टैक्ट बिटवीन द कटिंग एज एंड द वर्क। और उसके नॉर्मल होता है एफ सी एफ टी, एफ सी एफ एफ एंड एफ आर। आई रिपीट इट्स करेक्ट। यू नो वंस अगेन आई वंस द कोविड लॉकडाउन ओपन आई विल कम अप विद द मॉडल। ओके ना, हाउ एग्जैक्टली फीड इज अनकर्चिव थिकनेस, आई विल कम विद द मॉडल। ओके ना, सो आई विल सी द सम अदर क्वेश्चन। One student is asking about the Boschinger effect. It's a big thing. It's a Boschinger effect. I don't know. Such a short time. Merchant's first solution. Englishman, Merchant's first solution was mentioned. Yeah, correct. Merchant's first analysis, the Merchant's second analysis. See, kya hota hai? 2phi plus beta minus alpha equals to 90 degree. Yeh Merchant's ki first analysis hai. मर्चेंट्स की फर्स्ट एनालिसिस है। इसमें सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है? सॉरी, इसका सबसे बड़ा अजम्पशन क्या है होता है इसमें? द शेयर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट बट इट विल नॉट बी इन द स्टिकिंग एंड स्लिपिंग देयर विल बी चेंज। तो हमारे मर्चेंट्स की सेकंड एनालिसिस और है कोई? ओके ना, 2phi plus beta minus alpha equals to cot inverse k। इसको बोलते हैं मशीनिंग कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो मर्चेंट्स की सेकंड एनालिसिस यूज करो आप, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मर्चेंट्स की फर्स्ट एनालिसिस यूज करो। ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक डाउट और है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी यूज नहीं करनी, आपको मर्चेंट्स एनालिसिस ही यूज करनी है। यह भी गलत है, ये भी थ्योरी है। स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी क्या होती है? लियन शेफर, लियन शेफर is also a slip line field theory where phi plus beta minus alpha equals to 45 degree. ये 45 degree क्यों आया? Because slip line meets the surface at 45 degrees. Theory गलत कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है एक theory गलत हो दूसरी theory सही हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, depend करता है material के ऊपर। slip line field theory गलत नहीं है। अब एक स्टूडेंट मेरे को बोशिंगर इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ माय दैट इज इन द पाइपलाइन। सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ माय आईआईटी फ्रेंड ना, हु इज प्रोफेसर एट वन ऑफ द आईआईटी, सो आई एम आस्किंग हिम टू प्रिपेयर, बट प्रॉब्लम इज दैट ही इज वन ऑफ द की मेंबर इन गेट, सो दैट आई विल नॉट मेक हिज नेम पब्लिक, सो आई हैव रिक्वेस्टेड हिम व्हाट एग्जैक्टली वी शुड टीच, सो आई वेट फॉर सम टाइम। ओके, Boschinger effect, because one student asked long time back. Boschinger effect. Boschinger effect. Okay, now what is the Boschinger effect? You know, I have three dislocation theory lectures available on the YouTube. उन तीनों lecture को देखो आप। तो जैसे आपने आपने मेटेरियल का लोड किया और यहां पे तक लोड किया इन द वर्क हार्डनिंग रीजन। वर्क हार्डनिंग क्या है? व्हाट इज वर्क हार्डनिंग? वर्क हार्डनिंग इज पाइलिंग ऑफ डिसलोकेशन एट द ग्रेन बाउंड्री। पाइलिंग ऑफ डिसलोकेशन एट द ग्रेन बाउंड्री और डिसलोकेशन के बीच का इंटरेक्शन रिपल्सिव होता है। उसमें मैंने डिसलोकेशन की वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो होता क्या, जितना डेंस डिसलोकेशन फॉरेस्ट होगा उतनी ही तगड़ी बैक स्ट्रेस डेवलप होगी। जैसे एक डिसलोकेशन निकल बिचारी निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना, तो जो बैक स्ट्रेस क्या होगा, अरे पीछे चल पीछे चल। बट सडनली आपने क्या किया, देर आर स्ट्रेस रिवर्सल। यहां से आपने अनलोड करके कंप्रेशन में ले गए, पहले टेंशन में था निकलने की कोशिश कर रही थी, सडनली डिसलोकेशन ने पीछे मूवमेंट करना शुरू कर दिया, तो ये जो बैक स्ट्रेस थी तो धक्का मार देगी उसमें और जा रही और पीछे जा। सो बैक स्ट्रेस इज नाउ सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यील्ड पॉइंट इन कंप्रेशन Yield point in compression will appear prematurely.
this phenomena is called Boschinger effect. I hope everybody's okay in that. Boschinger effect is due to baggage. Yes, yes, you are correct. Mr. Gohil is correct. And then when a student is asking about cutting fluid, cutting fluids and coolant. See, it's a very good question because there's a lot of confusion. Cutting fluids, yeah, it's a very good question. Cutting fluid or coolant, okay? It's the same thing. The major functions of cutting fluids are decreasing the force requirement. Force requirement decreases. ये फोर्स को कैसे कम करता है? ये कटिंग फ्लूइड जो है फोर्स को कैसे कम करता है, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों में. मैं आपको बताता हूं. मेटेरियल साइंस में मैंने पढ़ाया था आयरन है, उसमें मैग्नीज होगा. एज एन इंप्योरिटी मैग्नीज ऐड करना ही करना पड़ेगा. तो इसमें कटिंग फ्लूइड में हम ईपी एडिटिव्स डालते हैं लाइक क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस. तो होता क्या है, व्हेन वी आर थ्रोइंग द कटिंग फ्लूइड इन द मशीनिंग एरिया, ये ईपी एडिटिव्स मैग्नीज से रिएक्ट करके एक लो शेयर स्ट्रेंथ फिल्म बना लेते हैं और उसको मशीनिंग करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है. तो यह पहला फंक्शन है कटिंग फ्लूइड का, टू डिक्रीज द कटिंग फोर्सेस. अगर वो नहीं कर सकते हैं देन टेक अवे द हीट फ्रॉम द मशीनिंग एरिया, वो भी जरूरी है. अगर हमारे कटिंग फ्लूइड का प्राइमरी फंक्शन टू टेक अवे द हीट फ्रॉम द मशीनिंग एरिया है, उस कटिंग फ्लूइड को हम कूलेंट ही बोलते हैं. नाउ आई होप इट इज क्लियर. ऑफ कोर्स इट डिक्रीजेस द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल चिप इंटरफेस, दैट इज आल्सो करेक्ट. But the primary function of cutting fluid is to decrease the cutting forces by producing this low shear strength film. I hope it is okay. See the next doubt. Oh my God, there are so many things. Sunil Babu Vedi, I think he is my student in GRIT. Why cast iron components are difficult to weld? That is a very good question. Are mainly used for coupling motor and gear. That is a very good question. Why cast irons are, see, I think some of you must be seeing my post over the Facebook. I have my teacher Professor Pandey from IIT Delhi. So certain videos actually he is making for that. Okay, so I will not touch these topics at this moment, especially welding casting. He already told me what are the topics, underwater welding. Some of these videos he want to make with me and put it on the YouTube in my channel. The idea is that, you know, he also knows, I also know that, you know, especially in production, there are many, many problems in private institution, especially. So we are trying to help the students out. Okay. Na? So this topic I will not touch in this session. Maybe next session. Okay. Na? Let me see. Reasons of Boschinger effect. Anyway, very old comments I'm not able to see. Okay. Na? Anyway, so what I'm feeling, it's already half an hour. We will keep this session short so that, you know, and you come up with the questions, you can also write by email. Okay, now email, I'm generally checking this mail, swadesh_108@yahoo.co.in, and I will meet you soon. मैं पता है इस मैं लाइव सेशन क्यों कर रहा हूं, आपके क्वेश्चंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए एक टीचर होता है ना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ के पढ़ाए. पर हो क्या आजकल चले ना, लोग पढ़ नहीं रहे और कुछ बुक में रखना एफर्ट के साथ लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे सर ने बुक में गलत लिख दिया है. तो मैं स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर करना चाहता हूं इन लाइव सेशंस के थ्रू. इसमें और कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, जैसे कभी कोई मैसेज आया सर आप क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करने वाला. मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर कर रहा हूं एंटायर प्रोडक्शन. ओके ना. सो thank you very much. Yeah, types of stainless steel and its magnetic property. There are many types of stainless steel. Shall we take up in the next session?
okay, na? Because 30-35 minutes I would like to mind up. You keep your question, maybe next week or in 10 days I will have again session, okay, na? So thank you very much, see you in the next session.